हेलो फ्रेंड्स, किरण द निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बॉर्डर। ये कोई ऐसा वैसा बॉर्डर नहीं है, ये देखिए ये डबल बॉर्डर है जो कि आप सब लोग बनाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, सबको ये बनाना बहुत टफ लगता है क्योंकि इसकी कुछ सिलाइयाँ डाल के इसके नीचे से फंदे खोलने पड़ते हैं, फिर इसको डबल किया जाता है, तो वो बहुत टफ लगता है सबको। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक ऐसी टेक्निक लाई हूँ जिससे कि आप फंदे ही डाल के, सिर्फ फंदे कास्ट ऑन करके इसका डबल बॉर्डर बना सकते हैं इजीली। सिर्फ आपको फंदे अच्छी तरह से कास्ट ऑन करने हैं, तो आप भी आराम से ऐसे वाला डबल बॉर्डर देखिए अपनी सिलाइयों में से निकाल पाएंगे और अपने हर एक प्रोजेक्ट पे ये डबल बॉर्डर बुन पाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बुनने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्ट ऑन करना, ढंग से कास्ट ऑन कीजिए और पाइए ये डबल बॉर्डर बहुत बढ़िया वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, बुनना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें चाहिए होगी आपको दो तरह की वूल। एक तो आपको वो चाहिए होगी जिससे आपको स्वेटर बुनना है, यानी कि आप बॉर्डर बनाने वाले हो, वो वाली वूल चाहिए होगी, वर्किंग वूल जिसको बोलेंगे। और एक चाहिए होगी आपको थोड़ी सी वूल जिसको हम वेस्ट वूल बोलेंगे, इसका बाद में यूज़ नहीं होगा, ये हम निकालेंगे। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा आप डिफरेंट कलर की लेंगे तो बढ़िया रहेगा, दिखने में आपको आसानी रहेगी। सेम कलर इसमें यूज़ ना कीजिए, तभी मैंने अलग अलग कलर इसमें यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, जिससे आप बॉर्डर बनाने वाले हो वो आपको नीडल चाहिए होंगी, जैसे मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ 10 नंबर की नीडल्स, ताकि फंदे थोड़े मोटे आएँ और दिखाई दें। आप इसमें जो नीडल्स लगाना चाहें 11 या 12 की आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कास्ट ऑन करना। देखिए फ्रेंड्स, आप दोनों जो तरह की आपकी वूल है उसको आप ऐसे कर लेंगे, एक दूसरी और एक दूसरे कलर की वूल, इसको आप ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे आप गांठ। देखिए थोड़ा सा इसको छोड़ लीजिए और यहाँ पे इसमें गांठ लगा दीजिए ऐसे ऐसे, आप इसमें गांठ लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, गांठ लगाने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में ये वर्किंग जो आप वूल करेंगे, जो इस जिस पे काम करेंगे वो इधर को रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे। देखिए जो वर्किंग वूल होगी वो आपकी उंगली पे आएगी और जो वेस्ट वूल होगी आप अंगूठे पे रखेंगे, देखिए ऐसे। और फिर यहाँ पे हम सिलाई लेते हैं और फंदे कास्ट ऑन करना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे, ये यहाँ पे पकड़ेंगे इसकी टेल को और ये पहला वाला जो एक बार ही आएगा स्टिच आपका, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये वेस्ट वूल के यहाँ के नीचे से लेके इधर वाली वूल के ऊपर से लेके आपको ऐसे स्टिच निकाल के लाना है। देखिए एक बार फिर से दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, पहला स्टिच ऐसे आएगा आपका, फिर नेक्स्ट वाले अलग से आएंगे, सिर्फ पहला स्टिच आपको ऐसे देना है। ये देखिए यहाँ आप नीचे से निकालेंगे और इसको जो इसकी टेल है ये पकड़ के रखेंगे और यहाँ इसके ऊपर से निकालेंगे और यहाँ ऐसे करके निकाल के ले आएंगे। देखिए ऐसे, और जो आपकी वेस्ट वूल है वो आपकी ऐसी आनी चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा आना चाहिए। अब हम फंदे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको वैसे ही करते जाना है। ये पहला फंदा आपका ऐसे डलेगा जो मैंने ये डाल दिया है, और नेक्स्ट जो फंदे होंगे वो आपके पेयर में आएंगे, यानी कि जोड़े में आएंगे। ये सिर्फ एक फंदा आपने इसमें कास्ट ऑन किया है। अब देखिए कैसे करेंगे आगे, यहाँ से ये जो इधर वाली वूल है वर्किंग वाली, इसके ऊपर से ऐसे सिलाई घुमाएंगे और इधर को यहाँ इसके नीचे से घुमाएंगे और इसके फिर से ऊपर से घुमा के ऐसे फंदे लाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ फंदों पे, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक फंदा यहाँ पे बताया था, आपके यहाँ पे दो फंदे और आ गए हैं, देखिए ऐसे।
एक आप देख सकते हैं ये उल्टा सा दिख रहा है और ये सीधा दिख रहा है। बस यही आपको रिपीट करते जाना है जो मैंने आपको ये बताया है, इसमें घुमाव जो बताया है यही इसमें आते जाना है। अब फिर से ध्यान से देखिए, मैं दोबारा रिपीट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंदे पेयर में आएंगे, जोड़े में आएंगे बागे, एक उल्टा फंदा होगा एक सीधा होगा। ये देखिए यहाँ जो वर्किंग है इसके ऊपर से ऐसे घुमाएंगे और यहाँ इसके नीचे से लेके आएंगे और वर्किंग के फिर यहाँ से घुमाएंगे। ये देखिए एक में आपकी ये रेड कलर की वूल बीच में से नजर आएगी, एक आपका सीधा फंदा नजर आएगा, दो दो फंदे आपके आएंगे इसमें। फिर से करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से ऊपर से घुमाएंगे और ये इधर से नीचे से घुमाएंगे और फिर से एक बार इसके ऊपर से घुमाएंगे। देखिए ऐसे आपके ये फंदे आने शुरू हो जाएंगे, दो दो फंदे आएंगे। आप देख सकते हैं एक आपका सीधा है एक उल्टा है, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, पेयर में फंदे आएंगे ये। ये देखिए ऐसे, और जो वेस्ट वूल है आपकी ये फंदों के यहाँ नीचे होनी चाहिए, जो आपको ये दिख रही है किसी किसी में उल्टा फंदा जो होगा उसमें दिखेगी, ऐसे इसमें आएगी। फिर से रिपीट करते हैं, एक ही वाला है इसमें, सिर्फ जो फर्स्ट फंदा आपको कास्ट ऑन करना है उसका अलग से है, बाकी सारा एक जैसा है। ये देखिए फिर से इसको ऊपर से घुमाएंगे और रेड वूल के इधर से घुमा के लाएंगे और फिर से इसके ऊपर से घुमाएंगे। देखिए दो दो फंदे आ रहे हैं, ये देखिए अब दिखने लग गए अच्छी तरह से। ये आपका एक सीधा फंदा आया पहले, फिर ये उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और ये सीधा, एक बार में आपके दो दो फंदे आएंगे। फिर से देखिए इसके ऊपर से घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे और फिर से यहाँ से ऐसे लेके आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स फंदे आने शुरू हो गए। देखिए ऐसे ऐसे ये आपके पेयर में फंदे आते जाएंगे, ऊपर से घुमाएंगे, इसके इधर से घुमा के लेके आएंगे और फिर से यहाँ ऊपर से घुमाएंगे। ये देखिए एक ही वल है, कोई अलग अलग नहीं है, हर बार एक फर्स्ट फंदे का अलग से होगा बस, बाकी आपको सारे एक जैसे ही आएंगे। ये देखिए यहाँ से घुमाएंगे ऊपर से, फिर इधर वेस्ट वूल से घुमाएंगे और फिर से हम ऐसे घुमा के लाएंगे। देखिए बहुत इजी है, एक दो बार आप करके देखेंगे तो आराम से ये आ जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ से घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे और यहाँ से फिर एक बार घुमा लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, दो दो फंदे आपके बनेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ से और फिर से यहाँ से घुमाते हुए ये रेड वूल को आपको ऐसे पीछे से कर देना है। ये देखिए ये वेस्ट वूल जो आप लेंगे, जैसे मैंने रेड ली है ये आप बारीक वाली लें तो और भी बढ़िया होगा, यहाँ पे फंदे बहुत बढ़िया बन के आएंगे। देखिए ये आपके जो आपकी वर्किंग वूल है क्रीम कलर की उस पे ये फंदे आ रहे हैं और ये रेड वूल जो है ये बाद में हम इसमें निकाल देंगे। देखिए फिर से यहाँ से डालेंगे, देखिए फिर यहाँ से घुमाएंगे इसके नीचे से, और फिर यहाँ से एक बार और। ये देखिए दो दो फंदे बनके तैयार हो रहे हैं। जितने भी फंदे आपको कास्ट ऑन करने हो आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे
यहाँ से घुमाएंगे और यहाँ से फिर से घुमा के लाएंगे। ये जो वेस्ट वूल है ये आपके बिल्कुल नीचे रहने चाहिए, यहाँ पे ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। ये देखिए, फिर से करते हैं ऐसे, यहाँ से नीचे से निकालेंगे और फिर से इधर से घुमा के लाएंगे। ये देखिए, ऐसे आएगा, फिर से करते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। बिल्कुल ये रेड वाले वूल जो है ये स्ट्रेट आने चाहिए, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पतली वूल लेंगे वेस्ट वाली तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ऐसे इधर से और ये इधर से। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फंदे जो हैं हमारे कास्ट ऑन हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम ऐसे ही इसको पलटा लेंगे। देखिए आराम से इसको ऐसे ही पलटा लेंगे। ये देखिए, पलटाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये एक उल्टा फंदा स्टार्टिंग का दिखाई दे रहा है दूसरी साइड से। ये देखिए, अब हम इसे बुनना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये इसकी रो वन आएगी, जो यहाँ पे आपके पास एक फंदा है स्टार्टिंग का, इसको हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि अभी इसको हम उतार नहीं सकते हैं। ये देखिए, इसको हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके ये फंदा सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये दिख जाएंगे आपको। तो ये हमने एक बुन लिया सीधा, फिर से ये सीधा है फंदा, तो इसको हम, ये पहले उल्टा था बट इसको हम उतार नहीं सकते हैं इसलिए हमने इसको सीधा ही बुन लिया है। तो यहाँ से फिर से ये वाला सीधा बुन लेंगे एक और ऐसे। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, धागा आगे लाएंगे, ये फंदा उल्टा है, इसको स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे को ले जाएंगे, ये फंदा सीधा है, इसको बुन लेंगे। अब आप ये रेड वाला धागा छोड़ सकते हैं, आपका ये निकलेगा नहीं। देखिए ऐसे, अब आप आराम से बुन सकते हैं। धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे को ले जाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। ये देखिए, ये आपको बहुत आराम से दिखेंगे, ये फंदा जो उल्टा है ये रेड वाला इसके ऊपर आएगा धागा, ये दिखेगा, सीधा फंदा ये पूरा आपको ऐसे वाला दिखेगा। उल्टा फंदा उतार लेंगे, स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे ऐसे, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए जितने भी फंदे आपके पास हों, देखिए आप उनको यहाँ तक बुन लेंगे। मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो वन के लास्ट में हम फंदा स्लिप करेंगे, ये वाला फंदा सीधा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में ये फंदा उल्टा है तो धागा आगे लाके इसको स्लिप कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये फंदा गिरेगा नहीं, ये यहाँ पे गांठ लगी हुई है। तो अब आते हैं इसकी रो नंबर सेकंड में। देखिए ऐसे, अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, रो नंबर टू, ये फंदा पहले वाला सीधा है, ये दूसरे वाला उल्टा। अब यहाँ से आप बुनना स्टार्ट करेंगे, पहले फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए ऐसे, धागा आगे लाएंगे,
उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे को ले जाएंगे, ये देखिए दिख रहे हैं, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे को सीधा फंदा बुनेंगे। आप देख सकते हैं ये आराम से दिख रहे हैं फंदे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो करेंगे आप, उल्टा फंदा धागा आगे लाके स्लिप करके धागा पीछे को ले जाएंगे। ये मैं पूरी कर लेती हूँ, लास्ट में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 2 के लास्ट में हम ये फंदा सीधा है यहाँ पे, तो सीधा बुनेंगे, ये हम स्लिप करेंगे और ये सीधा बुनेंगे। इसी के साथ ये रो नंबर 2 हम कंप्लीट करते हैं। रो नंबर 3 में हम 2 सिलाइयाँ हम बुन चुके हैं। ये देखिए ये उल्टा फंदा है, तो अब इसको हम आराम से उतार सकते हैं, तो इसको हम स्लिप कर लेते हैं, धागा उधर लेके जाएंगे, सीधा फंदा बुन लेंगे, कैसे उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए फ्रेंड्स ये रो भी आप कंप्लीट करेंगे। उल्टा आपको स्लिप करना है और सीधा फंदा आपको बुनना है, तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रो नंबर 3 की लास्ट में हम ये उल्टा मैंने स्लिप कर लिया यहाँ पे, देखिए ये सीधा बुन लिया मैंने, और ये देखिए उल्टा हम लास्ट में यहाँ पे स्लिप कर लेंगे। अब आते हैं रो नंबर 4 में, देखिए ऐसे रो नंबर 4 में पहला फंदा सीधा है, तो आप इसको सीधा बुन लेंगे और उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे। ऐसे ही आपको ये रो नंबर 4 भी कंप्लीट करनी है, उल्टा आपको स्लिप करना है, सीधा आपको बुनना है, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे और सीधा बुनेंगे। यही करते हुए आप पूरी रो इसमें कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। रो नंबर 5 में हम इसमें भी ऐसे करेंगे, ये देखिए उल्टा फंदा स्लिप कर लिया हमने, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे, सॉरी उल्टा हमें यहाँ स्लिप करना है, सीधा हमें बुनना है, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे। ये 5वीं सिलाई है, ये लास्ट है इसकी। देखिए फ्रेंड्स ये 5 सिलाइयाँ इसमें पूरी हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स 5 सिलाइयाँ पूरी होने के बाद आपको ये ऐसा ऐसा दिखेगा, ये देखिए अब ये बनके कंप्लीट हो चुका है जितना हमें चाहिए। अब क्या करेंगे कि इसकी जो इधर वाली ये गांठ है ये खोल देंगे और रेड वूल इसमें से निकालेंगे। ये मैं गांठ खोल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से इसकी ये गांठ खोल दी है, आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए ये मैंने गांठ खोल दी, रेड कलर की वूल आपको दिख रही होगी, और यहाँ से आप इसको खींच के आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये आपका डबल बॉर्डर बन के आ गया है, ये देखिए, ये देखिए ये आपका डबल बॉर्डर बन के तैयार है। जो आप वेस्ट वूल लगाओगे वो आप पतली लगाएंगे, तो ये यहाँ पे फिनिशिंग जो है इसकी नीचे वाली ये और भी बढ़िया आएगी। इसमें आप बारीक से बारीक लगाएं, ये देखिए पूरे का पूरा वैसा डबल बॉर्डर बन जाएगा। अब फ्रेंड्स आप अपना बॉर्डर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं,
इसकी राइट और रॉन्ग साइड कोई भी नहीं है, किसी साइड से भी आप अपने हिसाब से बुन सकते हैं। इस बॉर्डर की राइट और रॉन्ग नहीं आएगी, तो आप इसमें अब नॉर्मल बॉर्डर जो है एक उल्टे और एक सीधे का बुन सकते हैं। 5 सिलाइयां ऐसी बुनने के बाद अब देखिए ऐसे आप इसमें एक उल्टा एक सीधा आगे अपना बॉर्डर चला सकते हैं। देखिए ऐसे ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये बॉर्डर आगे बनने लग गया है। अब आप बस नॉर्मल अपना जो बॉर्डर बनाते हैं वो बनाते जाइए। यहाँ से आपका ये बॉर्डर जो है ये डबल हो चुका है, ये देखिए। अब आपको कभी भी इधर उधर सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेगी, फंदे उधेड़ने नहीं पड़ेंगे। ये अपने आप कास्ट ऑन करने के बाद ही आपको ये 5 सिलाइयाँ बुनने के बाद ऐसे ऐसे वाला जो है डबल बॉर्डर नीचे से आराम से मिल जाएगा। अब आप आराम से इसको कास्ट ऑन कीजिए और डबल बॉर्डर बनाने का आनंद लीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।